हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। बयानी मिलिट्री स्कूल से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। रेजिडेंशियल स्कूल है तो इस वजह से फ्री फूड एंड रेजिडेंस की सुविधा रहेगी, यानी कि यहाँ पर भोजन और मुफ्त आवास जो है वो रहेगा। परीक्षा नहीं होगी, केवल इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। बिना सीटेट या टेट के आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले जैसे ही आप आएंगे एडमिशन ओपन, ये आपको पेज नज़र आएगा, इसे क्रॉस कर लेंगे। जैसे ही करियर सेक्शन में आप आते हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए, टीचिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कैसे जो है वो अप्लाई करेंगे। ये विज्ञापन जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए ही जाना है बियानी मिलिट्री स्कूल बोसवाल। परीक्षा नहीं होगी। प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी है जिसमें हाई स्कूल और DTET मांगा गया है, सेकेंडरी टीचर्स में इंग्लिश एंड सोशल साइंस की वैकेंसी है, BA MA BEd वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स टीचर्स के लिए BSc या MSc के साथ में BEd, कंप्यूटर टीचर के लिए MCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो टीचर्स के लिए मास्टर डिग्री इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप अगर फिजिक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो फिजिक्स में मास्टर डिग्री, केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री के साथ में BEd। उसके बाद जो है OC या SP या अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स टीचर के लिए MCOM वाले अप्लाई करेंगे, BEd आपका होना चाहिए। तो ये जो 6 नंबर तक, जो सीरियल नंबर 6 तक हैं, इनका जो इंटरव्यू रहेगा 17 अप्रैल 2024 को रहेगा। मराठी एंड हिंदी टीचर के लिए वैकेंसी है, BA MA BEd वाले अप्लाई करेंगे। म्यूजिक टीचर में संगीत विशारद और BA MA इन म्यूजिक में। कमांडेंट रिटायर्ड कर्नल अप्लाई करेंगे। डॉक्टर लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए है, BAMS वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी जो है रिटायर्ड सूबेदार या नायब सूबेदार रहेंगे। हाउस मास्टर्स के लिए NCC सी सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। डांस टीचर के लिए यहाँ पर अनुभव चाहिए। तो इनका जो इंटरव्यू रहेगा सीरियल नंबर 7 से लेकर और सीरियल नंबर 13 तक, 18 अप्रैल 2024 को इंटरव्यू है। अकाउंटेंट एंड क्लर्क की वैकेंसी है, BCOM MCOM वाले अप्लाई करेंगे। टैली की नॉलेज मांगी गई है। बॉयज हॉस्टल रेक्टर के लिए MPEd या MSW वाले अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स हॉस्टल रेक्टर लेडीज BPEd या MPEd MSW वाले अप्लाई करेंगे। स्पोर्ट्स टीचर पार्ट टाइम है, कराटे बॉक्सिंग रेसलिंग जिम एंड कोच, तो इसमें BPEd या MPEd आपका होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट में लेडीज टीचर्स की आवश्यकता है, जिसमें ग्रेजुएशन इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए और हिंदी आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है हाउस सेविका आया, हाउस बॉय, सिपाही, सुरक्षा गार्ड, इनकी वैकेंसी है। तो इसमें 10th पास जो है वो मांगा गया है। 19 अप्रैल को जो है यहाँ पर सीरियल नंबर 14 से लेकर सीरियल नंबर 21 तक इंटरव्यू रहेगा। तो ये इंटरव्यू की डेट जो है वो ध्यान में रखें, ज़्यादा दूर नहीं है। प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, मैथ्स, कंप्यूटर टीचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टीचर्स की जो है 17 अप्रैल को। उसके बाद अकाउंटेंसी, मराठी, हिंदी टीचर, म्यूजिक टीचर और हाउस मास्टर, डांस मास्टर, इनकी 18 अप्रैल को है। अकाउंटेंट एंड क्लर्क, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल रेक्टर की जो है 19 अप्रैल को है, ठीक है। स्पोर्ट टीचर्स, रिसेप्शनिस्ट, इनका 19 अप्रैल को ही है। तो इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के समय जो है आप लोग पहुंच जाएं, 11 बजे आपको रिपोर्ट करनी है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक है। ध्यान रखें एड्रेस जो है, आपको कहाँ पहुंचना है, बस आपको डेट ध्यान रखनी है इंटरव्यू की। और आपको पहुंचना है बियानी मिलिट्री स्कूल, जामनेर रोड, बोसवाल, डिस्ट्रिक्ट जालागांव, महाराष्ट्र। ये वैकेंसी महाराष्ट्र की है। जो भी कैंडिडेट महाराष्ट्र के या फिर आसपास के स्टेट के हैं और बियानी मिलिट्री स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा स्कूल है। रेजिडेंस और फूड की सुविधा आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दी ही जाएगी, और भी जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है वो ये देंगे, ठीक है। वी ऑफर एक्सीलेंट कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। तो ये आप देख लें, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, स्कूल की मेन वेबसाइट पर जाकर और भी चीज़ें आप देखें, क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ पर भी आप पढ़ाने जाएं,
सबसे पहले जो है स्कूल के बारे में सारी जानकारी लें। अब ये मिलिट्री स्कूल है, काफ़ी समय से जो है वो चलता आ रहा है, बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ पर जो है टीचर्स भी यहाँ पर जो है वो रहते हैं, साथ में जो स्टूडेंट्स हैं तो एनडीए वगैरह की जो तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को सारी सुविधाएं दी जाती है, एक हॉस्टल टाइप सा जो है कह सकते हैं। तो चलिए, बाकी जो है इंफॉर्मेशन के लिए मेन वेबसाइट का लिंक आप लोगों को शेयर किया जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं यहाँ पर पढ़ाने के इच्छुक हैं आवेदन करेंगे। थैंक यू।